आज की वीडियो में हम आप एक ऐसी ट्रिक देखेंगे जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हम स्टार वर्ल्ड और मैं हूं आपका होस्ट हमाद अंजम। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक यह है कि आप अपने किसी भी अजीज़ या अपने बच्चों के मोबाइल पे कैसे नज़र रख सकते हैं कि उन्होंने मोबाइल में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रखी कि जिसकी वजह से कल आपको परेशानी का सामना करना पड़े। दोस्तों आजकल मार्केट में आपको पता है कि बेशुमार ऐसी ऐप आ गई हैं जिसकी मदद से आप अपनी तस्वीर को, वीडियो को, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप हिडन कर सकते हैं, यानी उसको छुपा सकते हैं, दूसरे बंदे को कानो कान उसकी खबर नहीं होती। तो आज की जो मेरी ट्रिक है वो इसी हवाले से है कि आप लाख एप्लीकेशन कोई भी उसने लगाई हो उसके बावजूद आप उसके मोबाइल में देख सकेंगे। इस एप्लीकेशन, इस ट्रिक को आपने गलत यूज़ नहीं करना कि किसी के मोबाइल में किसी का पर्सनल डेटा नहीं चेक करना। यह सिर्फ मैं आपकी एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ कि आप अपने फैमिली मेम्बर के मोबाइल को ट्रेस कर सकेंगे, उन देख सकेंगे, अपने बच्चों पे नज़र रख सकेंगे कि उन्होंने मोबाइल में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रखी है जिसकी वजह से कल उनको प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए आपने जस्ट क्या करना है, आपने उसका ब्राउज़र ओपन कर लेना है, मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट कनेक्टेड हो, इंटरनेट कनेक्ट ना भी हो तभी ये ट्रिक जो है काम करेगी। तो उसके लिए आपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है ऊपर सर्च बार में फाइल, FILE, फाइल। फाइल लिखने के बाद आपने डबल डॉट यहाँ पे लगाने हैं, दो नुक्ते इस तरह लगाने हैं, ठीक है। ये लगाने के बाद आपने ये जो प्लस के साथ निशान है स्लैश, ये आपने तीन लगाने, एक दो तीन। ये लगाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है SD कार्ड। तो उसके मोबाइल में, उसकी मोबाइल की मेमोरी में जो भी डेटा होगा, SD कार्ड में जो भी डेटा होगा, सब यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, SD CARD कार्ड, ठीक है। फाइल लिखने के बाद दो डॉट लगाने हैं, उसके बाद ये तीन हैश लगाने हैं, उसके बाद आपने SD कार्ड लिखना है, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने सर्च पे क्लिक कर देना है या गो पे, जो भी आपके मोबाइल में होगा। तो आप देख सकते हैं कि मोबाइल में जितना भी डेटा है सब यहाँ पे शो हो गया है। यहाँ पे मेरे मोबाइल में जितना भी डेटा है, जितनी भी फाइल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो गई हैं। तो इस तरह मैं आसानी से इसमें चेक कर सकता हूँ कि इसमें क्या कुछ है, क्या डेटा। फिर मेरे मोबाइल में तो मेमोरी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसकी मेमोरी 64 GB और डेटा भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर ढूँढने में परेशानी हो रही है। तो फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कोई एक फ़ाइल ओपन करके दिखाता हूँ कि ये वर्क करती है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये पिक्चर में देखता हूँ, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये फेसबुक में ओपन करता हूँ तो फेसबुक की जितनी भी तस्वीरें हैं ये यहाँ पे, आप इनको ऐसे जूम करके भी देख सकते हैं, सही है। अब ये देख सकते हैं आप, ये तस्वीर, ये मेरी फेसबुक में यानी कि गैलरी में तस्वीर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शो हो रही है। तो इस तरह आप वीडियो, ऑडियो, यानी जितने भी उस मोबाइल में डेटा होगा आप यहाँ पे इजीली देख सकेंगे। तो इस तरह आप नज़र रख सकते हैं अपने बच्चों पे, उनके देख सकते हैं कि उन्होंने मोबाइल में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रखी कि जिसकी वजह से कल उनको प्रॉब्लम हो या आपको कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े। ये देखें इसमें MP3 यानी सॉन्ग्स हैं, वो भी यहाँ पर ये शो कर रहा है। आप चाहें तो इन्हें चला के चेक भी कर सकते हैं, वीडियो को चला के चेक कर सकते हैं। तो जितना भी डेटा है, लेकिन मैंने मोबाइल पर अपने पे यहाँ पे पर्सनल चीज़ें भी रखी हुई हैं, दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर के ज़रिए उनको छपाया हुआ है, लेकिन वो सब यहाँ पे शो हो रही हैं। तो ये एक कमाल की ट्रिक है, मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दूं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप पहली मरतबा मेरे चैनल पर आएँ तो मैं इस तरह की ट्रिक लाता रहता हूँ, आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना की एक वीडियो अपलोड करता हूँ। तो जो ही मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को दबाया होगा तो फौरन आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि इस बंदे ने वीडियो अपलोड कर दिया, तो आप इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं।
आपको बार बार यूट्यूब पे ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।